हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सारे पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, क्रैश कोर्स का 39वां वीडियो है और दोस्तों, ये रेलवे एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, यानी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैकैफे क्या है? तो दोस्तों, वह है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, मैकैफे LLC फॉर्मली नोन एज मैकैफे एसोसिएट्स इंक्रीज इन 1987 to 2014, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो दोस्तों, वह है 5 लीटर। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मानव के रक्त की मात्रा जो है शरीर के वजन का लगभग 7% होती है और 150 से लेकर 180 पाउंड वजन वाले एक औसत वयस्क में जो है लगभग 1.2 से लेकर 1.5 गैलन, यानी कि 4.7 से लेकर 5.5 लीटर जो है रक्त होगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, वह है वोडाफोन। ठीक है, 2 दिसंबर 1992 को दुनिया में जो है पहला SMS जारी हुआ था और पेशे से इंजीनियर नील पाफवर्थ ने जो है 2 दिसंबर 1992 को पहला SMS संदेश जारी किया था। पाफवर्थ ने जो है उस समय टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के निदेशक रिचर्ड जोसेफ को क्रिसमस से पहले वार्म क्रिसमस का संदेश भेजा था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों, उनका नाम है अशोक। ठीक है, सांची का जो महान मुख्य स्तूप है दोस्तों, सम्राट अशोक महान ने जो है 3री शताब्दी में बनवाया था और इसके केंद्र में क्या है, एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें जो है भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो दोस्तों, वह होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बने। ठीक है, तारे जो हैं दोस्तों क्या है, गैलेक्सी में धूल और गैस के बादल मौजूद होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा रहती है अधिक। ठीक है, और अंतरिक्ष में फैले बादल के कणों और गैसों से तारे बनते हैं। जब ऐसे गैस या बादल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सिकुड़ते हैं तो वे गोलाकार गेंदों में बदल जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो वह है दोस्तों GSAT-7। ठीक है, भारत के पहले खास रक्षा उपग्रह GSAT-7, इसको जो है फ्रेंच गुयाना के कोरो प्रक्षेपण स्थल से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और इसे जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के जरिए छोड़ा गया, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे की पत्तियों से बनी से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वह कहलाता है ट्रांसपीरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों, पौधों द्वारा जो है अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों, वह है बैटरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यार्लिंग ट्रांसको का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों, वह है ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टेनिस के किस खिलाड़ी पद्म विभूषण पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया गया था? तो दोस्तों, वह है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, भारत की नंबर वन जो है टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा को राष्ट्रपति भवन में महामहिम प्रणब मुखर्जी के हाथों जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2016 में। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो SSC मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों, वह क्या है, वह है दोस्तों कोचीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिज़ाइन की है? तो वह क्या है? क्राइस, ठीक है, CRIS। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो दोस्तों वह है प्रति सेकंड 100 बार, ठीक है। आकाश से धरती पर बिजली गिरने की गति जो है बहुत ज़्यादा होती है और ये 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरती है, यानी करीब 84 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, वह है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक रासायनिक यौगिक जिसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3, ठीक है। ये जो है संसार के सभी भागों की शैलों में पाया जाने वाला आम पदार्थ है और समुद्री जंतुओं के कवच का यह क्या है? प्रमुख अवयव। इसके अलावा दोस्तों ये जो है कृषि चूने का सक्रिय घटक है और चिकित्सा के क्षेत्र में यह जो है कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और अम्ल रोधी के रूप में भी प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस बाज़ार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह कहलाता है मोनोपोली, ठीक है, एकाधिकार, ठीक है। दोस्तों अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों और मूल्य को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोनोपोली, यानी एकाधिकार, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों वह है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या है, 29 में भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा और राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों वह है अनुराधापुरा, ठीक है। 4वीं सदी ईसा पूर्व में जो है अनुराधापुरा की स्थापना हुई थी और ये शहर जो है श्रीलंका की पहली राजधानी था। अनुराधापुरा जो है दोस्तों पुरातत्व विज्ञान का बेहतरीन नमूना है और यहाँ जो है ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कई स्मारक हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह है दोस्तों जिगर, ठीक है। सिरोसिस जो है यकृत के कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का इलाज जो है लीवर प्रत्यारोपण के अलावा और कोई नहीं है। इस रोग में क्या है, यकृत कोशिकाएँ बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो दोस्तों उनका रिलेशन है परमार से, ठीक है। राजा भोज जो है परमार या पंवार वंश के 9वें राजा थे, ठीक है, 9th। और परमार वंशीय राजाओं ने जो है मालवा की राजधानी धारा नगरी यानी धार से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वात तक राज्य किया था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों उनका नाम है महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी, ठीक है। 12 अप्रैल 1919 को जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्हें महात्मा का संबोधन दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह क्या कहलाती है? उत्पाद की गठरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो उनका नाम है R.K. षणमुखम चेट्टी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम केंद्रीय बजट है वह है दोस्तों 26 नवंबर 1947 को, इसको जो है R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था
और 1962 से लेकर 63 के अंतरिम बजट के साथ 1959 और 60 से 1963 से 64 के वित्तीय वर्ष के लिए जो है केंद्रीय बजट को किसने किया था? मोरारजी देसाई द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों वह है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो वह है O3। ठीक है, ओजोन जो है दोस्तों ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और समुद्र तट से जो है 30 से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। इसके अलावा ये क्या है? तीखे गंध वाली अत्यधिक विषैली गैस। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह कहलाती है बार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो वह है हैरी पियरले। ठीक है, 1871 में जो है 13 अगस्त के रोज ही जो क्या हुआ था, हैरी पियरले ने गलती से स्टील का आविष्कार किया था जो बाद में जाकर क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील बन गया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ATM का विस्तार क्या है? तो दोस्तों वह क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला था? तो दोस्तों वह है वॉल्टर पॉमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था, किसके साथ किया था बताइए? तो वह है दोस्तों मराठा। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच जो है 14 जनवरी 1761 को क्या हुआ था, पानीपत के मैदान में। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पानीपत के तीसरे युद्ध की। पानीपत का पहला युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो वह है 3 जून 1947। ठीक है, 3 जून 1947 जो है एक ऐसी तिथि है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। इस तिथि को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का प्लान घोषित किया था और 15 अगस्त 1947 के दिन, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के दिन जो है भारत आज़ाद हुआ। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे अपनी नॉवल अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वह है मार्लिन जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में किया गया था? तो वह है न्यूसवॉन्स्टीन कैसल। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए SSC मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों उसे मापा जाता है कैलोरीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों वह हुई थी 2004 को। ठीक है दोस्तों, फेसबुक वेबसाइट को जो है 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लॉन्च किया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 के राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो दोस्तों वह है बर्मिंघम। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल जो है महासंघ ने 21 दिसंबर को 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बान जो है बर्मिंघम को घोषित किया है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो वह प्रयोग होती है दोस्तों विलो। ठीक है, क्रिकेट का जो बल्ला है दोस्तों विलो की लकड़ी से बनाया जाता है और विलो के पेड़ जो है इंग्लैंड के एसवेक्स इलाके में होते हैं।
भारत में ये जो है सबसे ज़्यादा कश्मीर में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो खेल का जनक किसे कहते हैं? तो वह कहलाते हैं रॉल्फ एच बेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? तो दोस्तों वह है लकड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे क्रैश कोर्स में जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।